वंदे मातरम साथियों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं गैंग्रीन के बारे में। गैंग्रीन होता क्या है, पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है। बहुत सारी चोटें ऐसी होती हैं जो गंभीर चोटों का रूप ले लेती हैं, मतलब सरलता से ठीक नहीं हो पाती और वो घाव बढ़ता जाता है और सड़न की स्थिति में आ जाता है। ऐसे में आपके शरीर का वो हिस्सा या वो अंग सड़ना शुरू हो जाता है, उसको गैंग्रीन बोलते हैं। शुगर के मरीजों की चोटें आपने देखा होगा, जब आसानी से ठीक नहीं हो पाती तो वो गैंग्रीन में बदल जाती हैं, क्योंकि शुगर के पेशेंट में घाव भरने में समय लगता है और इस कंडीशन में वो चोट गंभीर रूप ले लेती है और गैंग्रीन बन जाती है, जिससे कि क्या होता है, उस अंग को काटकर शरीर से अलग करना पड़ता है। गैंग्रीन में जो अंग सड़ जाता है वहाँ पर नए सेल्स डेवलप नहीं हो पाते, ना तो मांस में और ना ही हड्डियों में। और जो चोट ठीक नहीं हो पाती उसके पीछे कारण हो सकता है डायबिटीज़ या शुगर का, या फिर जेनेटिक कारण भी हो सकता है। आज की वीडियो में हम गैंग्रीन को ठीक करने वाली ऐसी ही एक औषधि के बारे में बात करेंगे। ये औषधि आप हर एक चोट में लगा सकते हैं। सोराइसिस होता है उसमें भी ये काम करती है, लेकिन ये गीले सोराइसिस में काम करेगी। सूखा सोराइसिस है तो इसमें दवा काम नहीं करती। शरीर के किसी भी हिस्से में आप इसे लगा सकते हैं। अक्सर ये दुर्घटना के केस में अधिक काम आती है। इसको लगाते ही खून का बहाव रुक जाता है। ये औषधि गौमूत्र से तैयार की जाती है। एक बार लिया हुआ गौमूत्र 6 दिन तक उपयोग में लाया जा सकता है। ऑपरेशन का कोई भी घाव हो उस पर भी ये औषधि बिना डरे आप लगा सकते हैं। कैंसर के केस में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी ऊपर हमने बात की कि इसको आप गीले सोराइसिस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक वैसे ही गीले एक्जिमा में भी ये दवा बहुत अच्छे से काम करती है। वो दवा कौन सी है, आइए उस औषधि को बनाने का तरीका सीख लेते हैं। इसके लिए आपको चाहिए गाय का मूत्र। जब भी गाय के मूत्र की बात होगी हमारे वीडियोस में, तो आप ध्यान रखें कि वो गाय का मूत्र देशी गौ माता का ही होना चाहिए। वो गाय गर्भवती ना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गर्भवती का जो गौमूत्र लेंगे वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। आप बछड़ी का गौमूत्र लेंगे तो वो चलेगा। पीने के लिए बछड़ी का सर्वोत्तम होता है, लेकिन आप लगाने के लिए भी देशी गौ माता का गौमूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको गाय का मूत्र 1 कप चाहिए और 1/2 या 1/4 चम्मच हल्दी चाहिए। 1 गेंदे का फूल लेना है आपको। गेंदे के फूल की पंखुड़ियों को निकालकर अलग कर लीजिए, फिर उसमें हल्दी डालकर और गौमूत्र डालकर उसकी चटनी यानी कि उसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। चोट के साइज़ के हिसाब से गेंदे के फूल की मात्रा या गेंदे के फूल की संख्या आप तय कर सकते हैं। जहाँ पर चोट है वहाँ पर उस चटनी को ताज़ा बनाकर ही लगाना है। ये औषधि आपको दिन में 2 बार लगानी है। जले हुए पर भी आप ये औषधि लगा सकते हैं। लगाते समय रुई बांधकर पट्टी बांध लीजिए। चोट को हमेशा गौमूत्र से ही धोना है। हरा फूल ना मिलने पर आप इसमें सूखा फूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि गेंदा हर मौसम में नहीं मिलता, लेकिन गेंदे की एक प्रजाति होती है जिसको आप हजारा बोलते हैं। ये 12 महीने फूल देता है। इसको आप गमले में लगा सकते हैं। आपके घर में थोड़ी जगह है तो क्यारी बनाकर उसमें लगा सकते हैं, लेकिन इसको आप लगा लीजिए, बहुत काम की औषधि है। जब तक घाव नहीं भरता तब तक आप उसे लगा सकते हैं। इसमें 3रे दिन से परिणाम आपको दिखने लग जाएंगे। 1 फूल में आप 1 से 2 चम्मच हल्दी मिला लीजिए, ये पर्याप्त है। ये औषधि इतनी चमत्कारिक है कि जब अंग काटने की नौबत आ जाती है तब भी अगर आप ये औषधि लगाना शुरू करते हैं तो आपकी जो चोट है, जो घाव है, उसको रिकवर कर देता है। कोशिश करें कि कोई भी चोट है, कोई भी जख्म है, कोई भी घाव है, तो ये औषधि आप घर पर तैयार करके इसको लगाना शुरू कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छे से काम करती है। इसके अलावा एक होम्योपैथी की औषधि और है जिसका हमने काफ़ी प्रयोग किया है और वो 100% काम करती है। उस औषधि को आप चाहें तो घर पर लाकर रख सकते हैं। उस औषधि का नाम है कैलेंडुला। कैलेंडुला औषधि आप होम्योपैथी के स्टोर से ले आइए। आप होम्योपैथी स्टोर पर जाएंगे तो आपने उनको ये बताना है कि आपको होम्योपैथी की कैलेंडुला चाहिए। जब वो आपसे पावर या पोटेंसी पूछेंगे, क्योंकि पावर को आप पोटेंसी बोलते हैं होम्योपैथी में, तो जब आपसे वो पोटेंसी पूछेंगे तो आप उनको बोलिएगा कि इसको आपको मदर टिंचर फॉर्म में चाहिए। जब वो आपको मदर टिंचर फॉर्म में देंगे तो उस पर या तो मदर टिंचर लिखा रहेगा या फिर उस पर क्यू लिखा रहेगा, कैलेंडुला क्यू।
वो औषधि आप होम्योपैथी की दुकान से ले आइए, उसमें जितनी औषधि आप लेंगे उतनी मात्रा में आपको जात्यादि तेल मिलाना है। जात्यादि तेल आपको आयुर्वेद की किसी भी शॉप से बड़ी ही सरलता से मिल जाएगा। जात्यादि तेल आप आयुर्वेद की शॉप से ले आइए, कैलेंडुला क्यू या कैलेंडुला मदर ट्रिंचर आप होम्योपैथी की शॉप से ले आइए। दोनों को समान मात्रा में मिलाकर किसी ड्रॉपर में या किसी शीशे में आप रख लीजिए। जब भी कोई चोट लगती है, जब भी कोई घाव हो जाता है तो उस पर लगाइए। उस पर लगाते ही ये चमत्कारिक रूप से अपना असर दिखाती है और आपका जख्म, आपका घाव बहुत तेज़ी से भरना शुरू हो जाता है। अगर उस चोट में कोई इन्फेक्शन हो रखा है तो वो इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, ये औषधि उसको भी ख़त्म कर देती है। ये औषधि और किस काम आती है? एक तो हो गया कि कोई घाव है जो जल्दी भर नहीं रहा, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कोई कट गया है, कहीं छिल गया है, कोई भी चोट है जो बाहरी चोट है जिसमें खून निकला है, उसमें ये औषधि बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन अगर कहीं कोई आपका हाथ जल गया है, कोई शरीर का अंग आग से जल गया है, भाप से जल गया है, और जिस पर आपके एक छाला होता है वो पड़ गया है, उसके अंदर पानी आ गया है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे ही आपका कोई ज़ख्म या हाथ जलता है तो जलते ही आपने वो औषधि उस पर डाल देनी है। जैसे ही आप औषधि उस पर डालेंगे तो एक तो ये उस जले हुए स्थान को ठंडक प्रदान करेगी, दूसरा ये क्या काम करेगी, दूसरा उस पर जो फफोला है वो पड़ने नहीं देगी, उस पर छाले पड़ने नहीं देगी और उसको बड़ी सरलता से ठीक करेगी। आप ये लगातार डालेंगे 2 से 3 दिन में, आप देखेंगे कि आपकी जो जख्म होगा, घाव होगा, जो जलने से आपके जो प्रॉब्लम होगी वो बहुत जल्दी भरने शुरू हो जाएगी, आपका दर्द कम हो जाएगा और ये आपकी जो चोट है या जो जला हुआ अंग है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। तो जब भी कोई चोट लगे जिसमें खून निकला हो, कोई गैंग्रीन की शिकायत हो जो घाव भर ना रहा हो, कोई शुगर का पेशेंट है जिसको कोई चोट लगी है और घाव जल्दी नहीं भर रहा है, उसके लिए आप गौमूत्र, गेंदा और हल्दी याद रखिए। उसके साथ ही आप कैलेंडुला क्यू घर पर लेके रख सकते हैं, उससे आप घाव को धो भी सकते हैं, उस पर लगा भी सकते हैं, और जात्यादि तेल मिलाकर रखा है तो उसको आप जख्म पर लगाइए, बहुत सरलता से बहुत आसानी से ठीक करेगी। ये दोनों ही औषधियाँ अनुभूत हैं, इनको बहुत ही पेशेंट्स पर प्रयोग किया जा चुका है और इसने 100% अपना रिजल्ट दिखाया है। आप भी इस औषधि को प्रयोग कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों को ज़रूर इस औषधि के बारे में बताइए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये औषधि सभी के काम की है। चैनल पर रहे हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।